नमस्कार नमस्कार, इंडिया की तरफ से दुनिया को सोल टू सोल नमस्कार। मैं हूं श्रेयस तलपदे, जहां भी आए जॉय एंजॉय के मौसम चल पड़े। संडे की सुबह यानी जी टीवी पर माइंड वॉर्स की सुबह, माइंड वॉर्स की सुबह यानी इंडिया और इंडियननेस की सुबह, इंडिया और इंडियननेस की सुबह यानी देश के अलग अलग स्टेट्स और स्कूल्स से आए हुए हमारे माइंड वॉरियर्स के सपने और उनके एस्पिरेशंस को सच में बदलने की सुबह। तो चलिए सपनों को सच में बदलते हैं और बुलाते हैं उन वॉरियर्स को जिनका नॉलेज है नेचर और यही है इंडिया का फ्यूचर। प्लीज वेलकम आवर माइंड वॉरियर्स। सबसे पहले टीम ग्रीन, आदित्य नोटियाल एंड कार्तिकेय सिंह फ्रॉम संस्कृति स्कूल न्यू दिल्ली। टीम ऑरेंज, मोहम्मद ओबैदुर रहमान एंड अर्नब कट्टा फ्रॉम लिटिल फ्लावर हाई स्कूल हैदराबाद तेलंगाना। टीम येलो, नित्या सिंघानिया एंड गुरसीदत गोपा राय फ्रॉम स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल अमृतसर पंजाब। पर्पल से आ रहे ज्ञानदीप पॉल एंड ईशानदीप भांजा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल यूनिट 8 भुवनेश्वर ओडिशा। That is what I really like. तो इसी जोश और होश के साथ मैं भी आ जाता हूं अपने सवाल ज्यादा वाले अवतार में और शुरू करते हैं आज का वॉर। पर देश को जोड़ने वाले माइंड वॉर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पहले उन्हें समझ लीजिए। हम तीन राउंड खेलेंगे और तीनों राउंड्स में आपको इंडिया के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप कैप्चर कर लेंगे एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। आपके पास दो वेपन्स है, पहला वेपन है डिफेंस और दूसरा वेपन है अटैक। इंडिया का मैप ही है आपका स्कोरबोर्ड। कभी देखा आप लोगों ने ऐसा स्कोरबोर्ड? नहीं सर। अरे यही तो यूनिक बात है हमारे शो की, जो और किसी शो में नहीं है। अब इस यूनिक स्कोरबोर्ड पर जो भी टीम ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैप्चर करके फाइनल्स तक पहुंचेगी और अपने स्कूल को जिताएगी वो बन जाएंगे इंडिया के पहले माइंड वॉर्स चैंपियन 2020 और उनको मिलेगा एक स्पेशल प्राइज और ये शानदार स्पेक्टैक्युलर ट्रॉफी। पहला राउंड है बेस कैंप। इस राउंड में हर टीम से उनके ही स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जवाब देना होगा आपको 30 सेकंड्स में। सही जवाब देने पर आप कैप्चर कर सकते हैं अपना बेस कैंप, मतलब अपना होम स्टेट। बेस कैंप को कैप्चर करना बहुत ही क्रूशल है क्योंकि गेम में आगे आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। बस स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स की चेन बनाते जाएं। तो चलिए शुरू करें अपना फर्स्ट राउंड जो है बेस कैंप राउंड। रॉक एंड रोल। सो टीम पर्पल, All ready? Yes, sir. Yes, yeah. sir. तो बेस कैंप राउंड में आपका पहला सवाल आपके होम स्टेट ओडिशा के लिए। भारत के राष्ट्रगान में ओडिशा को क्या कहा गया है? Your time starts now. उत्कल। टाइमर स्टॉप कीजिए। Completely sure about it? Yes, sir. That's the right answer. Congratulations. तो कंग्रेचुलेशंस टीम पर्पल, आपने अपना बेस कैंप कैप्चर कर लिया। जोरदार तालियां एक बार टीम पर्पल के लिए। हम बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, टीम येलो। आप कैप्चर करना चाहते हैं अपना बेस कैंप विच इज पंजाब। सो आर यू गाइस रेडी? यस। पंजाब के अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहब किस नाम से प्रसिद्ध है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गोल्डन टेंपल। इतना सिंक्रोनाइज आंसर, वाह मजा आ गया। दैट्स द राइट आंसर, कंग्रेचुलेशंस।
यू टू हैव वन योर बेस कैंप पंजाब, आपने जीत लिया है। गोल्डन टेम्पल इज द राइट आंसर एंड इट बिकेम अ सेंटर ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट बिटवीन 1883 एंड 1920s। ओके गुरसीदक, आप तो एकदम गुड़ के जैसे स्वीट हो यार। थैंक यू। आपका निकनेम क्या है? सिदक। सिदक, आपको घर पे सब सिदक बोलते हैं। चलो हम आपको सिदक बोले तो आपको चलेगा? चलेगा। सिदक, आपका क्या सपना है? मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। मैं आईएफएस बनना चाहती हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ताकि जो इंडिया और फॉरेन कंट्रीज हैं उनके रिलेशंस अच्छे हो पाएँ और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाए और उसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी नहीं रहेगी और पॉवर्टी भी नहीं रहेगी। और मैं एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ जो एजुकेशन, पढ़ाई और हंगर दोनों नीड्स को सेटिस्फाई करे। मैंने तो अपना ड्रीम बता दिया, पर आपका क्या ड्रीम है? मेरा एक्चुअली हमेशा से ड्रीम रहा है एक्टर बनना, यू नो, और मैं एक्टर बन गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसे आ गया था जब मेरा ड्रीम पूरा नहीं होने वाला था, मैं एक्टर की जगह पे एक्ट्रेस बनने वाला था। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जब स्कूल में था तो हम एक स्किट कर रहे थे जिसका नाम था मॉडर्न रामायण, और उसमें एकदम लास्ट मिनट पे जो लड़की सीता माता का रोल कर रही थी उन्होंने काम करने से मना कर दिया। तो मेरे दोस्तों ने एक ब्रिलियंट आइडिया सोचा, उन्होंने कहा सीता माता का रोल श्रेयस करेगा। तो चलो, क्लास की इज्जत का सवाल है, करते करते मैंने सीता माता का रोल कर दिया और मैं एक्टर की जगह पे बन गया एक्ट्रेस, है ना। यहाँ बात खत्म नहीं हुई, उसके अगले साल इन्होंने बोला हम करेंगे मॉडर्न महाभारत और मुझे बना दिया द्रौपदी। चलिए, माइंड वॉश का ये गेम आगे बढ़ाते हैं। हम बढ़ेंगे हमारे अगले टीम की तरफ, विच इज टीम ऑरेंज। आप लड़ रहे हैं अपने बेस कैंप के लिए, अपने स्टेट के लिए, विच इज तेलंगाना। तेलंगाना, योर एब्सोल्युटली राइट। सो योर क्वेश्चन इज दिस, 1591 में हैदराबाद में प्लेग का अंत मार्क करने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया था? चार मीनार। यार आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आपको टाइमर की तो जरूरत ही नहीं। मेरे ख्याल से टाइमर हम कम करने वाले हैं, हम सिर्फ 2 सेकंड करने वाले, क्योंकि उसके पहले ही आप राइट आंसर दे देते हो हमेशा। कमाल है, कंग्रेचुलेशंस, आप भी अपना बेस कैंप जीत चुके हैं। इस इमारत के पहले मेहराब का इस्तेमाल कुतुबशाही के काल में कभी मदरसे यानी इस्लामिक कॉलेज के रूप में होता था और दूसरे मेहराब में एक छोटा सा मस्जिद था। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज फॉर टीम ग्रीन। आर यू गाइस रेडी? यस सर। सो संस्कृति स्कूल आपका बेस कैंप है न्यू दिल्ली। 2019 में DDCA द्वारा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किस पॉलिटिशियन के नाम पर रखा गया? योर टाइम स्टार्ट्स। अरुण जेटली। अरुण जेटली जी इज द राइट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। आप भी अपना बेस कैंप दिल्ली जीत चुके हैं। अरुण जेटली जी ने फरवरी 2017 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में पहला कंबाइंड बजट पेश किया था जिसमें रेल बजट और जनरल बजट दोनों को मिला के पेश किया था। सो कांग्रेचुलेशंस टीम्स, आप सभी के बेस कैंप तो आपके पास आ गए हैं। अभी हम अगले राउंड में बढ़ने के पहले ये जो दिल और दिमाग और जोश का ये जो वॉर चल रहा है, जो देश को जोड़ने का वॉर चल रहा है, इसमें सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटेजी भी तो करनी पड़ेगी, है ना जी सर। तो आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को और मजबूत करने के लिए हम हमारे एक स्ट्रेटेजी मास्टर को यहाँ पे ले आए जो आके आपको थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी के बारे में समझाएंगे। उनका नाम है कुणाल सावरकर। हाय कुणाल। हाय श्रेयस। कैसा है यार? बहुत ही बढ़िया श्रेयस, बट यू आर रॉकिंग, और ये खेल देख के लग रहा है कि ये चोटी का मुकाबला होने वाला है। Yeah, absolutely, absolutely. तो कुणाल, आप इनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? इनको जितने ज्यादा स्टेट जीतेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि याद रखिए माइंड वॉर्स वो टीम जीतेगी जिनके पास सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं। कुणाल, आप कुछ सरप्राइज भी ले आए इनके लिए मैंने सुना। बिल्कुल सही श्रेयस, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैं इनसे पूछने वाला हूँ, अगर ये इसका सही आंसर देते हैं तो इनके स्कूल में ये बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। अच्छा, तो स्कूल के लिए बेसिकली एक सवाल है। Absolutely. जैसे मैंने अपने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए मैं सीता माता बन गया था। शूट कुणाल। 1992 से 2012 तक
किस हिंदी फिल्म एक्टर ने 8 ऐसी फिल्मों में हीरो का रोल किया जिनके टाइटल में खिलाड़ी शब्द था? संस्कृति स्कूल, बजर दबाया है तो आंसर भी देना पड़ेगा, बताइए आपका आंसर। अक्षय कुमार। बिल्कुल सही जवाब, इज द करेक्ट आंसर। तो टीम ग्रीन, आपने बोनस सवाल में अपने स्कूल के लिए जीता है एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। जोरदार तालियां टीम ग्रीन के लिए, क्या बात है। ओके, थैंक यू सो मच कुणाल, थैंक्स अ लॉट। आपको, अरे कुणाल, कुणाल, अरे मुझे बाय बोलना था यार। तो अब हम सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मामला थोड़ा और गंभीर होता जाएगा। सेकेंड राउंड है बिल्ड योर एम्पायर। इस राउंड में हर टीम से पूछे जाएंगे 3 सवाल। हर सवाल होगा आपकी चॉइस के स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बारे में। 20 सेकेंड में सही जवाब देना होगा आपको इस राउंड में। ओके, सो आर यू गाइस रेडी? यस सर। सो लेट्स प्ले आवर सेकेंड राउंड बिल्ड योर एम्पायर। टीम पर्पल, आप कौन से स्टेट को कैप्चर करना चाहेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए आपका सवाल ये है, मान्यताओं के अनुसार पक्षियों के कौन से राजा सीता को रावण से बचाने की कोशिश के बाद आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी में जमीन पर गिरे थे? टाइम स्टार्ट्स नाउ। जटायु। कॉन्फिडेंट हो गया जी? स्माइल कर रहे हो तो शायद कॉन्फिडेंट होंगे, बट व्हाट इफ द आंसर इज रॉन्ग, क्या करोगे? टेंशन नहीं है, रॉन्ग होने। ठीक है, बट द आंसर इज राइट, कांग्रेचुलेशंस। लेपाक्षी अपने हैंगिंग पिलर मंदिर के लिए भी जाना जाता है। बट यू गॉट द राइट आंसर एंड यू वन एंड कैप्चर्ड वन मोर स्टेट विच इज आंध्र प्रदेश, कांग्रेचुलेशंस। ईशान, आप बताइए आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? सर, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं अगर स्पेलिंग भी ठीक से लिख पाया तो बहुत हो जाएगा, यू नो, बट आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, कैसे बनना चाहते हैं? आपके घर पे आपके मम्मी डैडी आदे ओके विद दैट? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मम्मी डैडी चाहते हैं कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं एक्टर बनो जैसे? नहीं नहीं, आई एम श्योर बट आई एम श्योर आप जो बनना चाहते हैं आप ज़रूर बनोगे उससे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। थैंक यू। ओके, सो टीम येलो, आर यू गाइज रेडी? यस। आप स्टेट कौन सा कैप्चर करना चाहेंगे? राजस्थान। चलिए राजस्थान के लिए आपका सवाल है, राजस्थान में 19वीं शताब्दी में सूरजमल ने किस नेशनल पार्क की स्थापना एक संरक्षित शिकारगाह के रूप में की थी? द टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिफेंस लेने में वी वुड लाइक टू यूज डिफेंस। टाइमर स्टॉप कीजिए, आप डिफेंस यूज करना चाहेंगे? बेशक कीजिए, लेकिन उससे पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैं हमारे टीवी पे जो घर पे बैठी हुई व्यूअर्स है उनको जवाब देना चाहूंगा। सो द राइट आंसर इज भरतपुर नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क को केवलादेव नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो नाम इस पार्क में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर के नाम पर रखा गया है। ओके, सो लेट्स यूज डिफेंस वेपन। तो डिफेंस वेपन एक व्यूअर्स चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 लोग आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, उसमें से आपको किसी एक व्यक्ति को चुनना है जिनका सवाल वो आपसे पूछेंगे। ओके, यस। डिफेंस वेपन के लिए आपके ऑप्शंस स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज। तो आपके स्क्रीन पे 4 लोग आपको नजर आ रहे हैं, श्रुति जी, सुरेंद्र जी, रॉबर्ट जी और प्रतीक जी। मिस्टर सुरेंद्र। आप क्यों चाहते हैं कि सुरेंद्र जी आपको सवाल पूछे? क्योंकि वो सिख हैं और हमें लगता है कि उस एरिया में हमें ज्यादा चीजें पता है। ओके, तो चलिए सुरेंद्र जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपसे सवाल पूछे। सुरेंद्र जी प्लीज आपका सवाल पूछिए टीम येलो से। मेरा सवाल यह है कि सिखों के पहले गुरु जी कौन है? द टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी इज द राइट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। तो आपने अपना डिफेंस वेपन यूज करके राजस्थान को जीत लिया है, कांग्रेचुलेशंस। नित्या, आप क्या बनना चाहती है? मैं एक ऑथर कम एक्टिविस्ट बनना चाहती हूँ। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। और किस तरह की कहानियां लिखना चाहते हैं? फिक्शन लिखना चाहते हैं या आप फैंटेसी एंड मिस्ट्री मिक्स दोनों का? क्यों फैंटेसी और मिस्ट्री लिखना चाहती है?
क्योंकि जब हम फैंटेसी या मिस्ट्री लिखते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख रहे होते हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं है, तो कोई लिमिट्स नहीं होती, जो करना कर सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन डू इट, राइट? सो इट्स वंडरफुल, वंडरफुल। सो राउंड टू, बिल्ड योर एम्पायर का अगला सवाल है टीम ऑरेंज आपके लिए। कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे आप? कर्नाटका सर। ओके, दिस इज एन इमेज क्वेश्चन। पहले हम आपको इमेज दिखाएंगे, उसके बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा। इमेज आपके स्क्रीन पे ये रही। सवाल ये है, इस बैडमिंटन खिलाड़ी को पहचानिए जो 1981 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रकाश पड़कोन। Are you sure? Yes sir. Yes sir. Very sure? Very sure. Yes, sir. That is the right answer. Congratulations. वो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के फाउंडर्स में से एक है जो भारतीय एथलीट्स को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने में मदद करते हैं, श्री प्रकाश पादुकोण। और ये किन के फादर है आप जानते हैं? दीपिका पादुकोण। ओहो, उनको कौन नहीं जानता। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना जो स्टेट है कर्नाटका वो कैप्चर कर लिया है। ओके, टीम ग्रीन, विल टेक यूपी। चलिए यूपी के लिए हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपका सवाल है ये, शौरसेनी प्राकृत से बनी कौन सी भाषा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शहरों में अपने शुद्धतम रूप में सुनी जा सकती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर कोई भी डाउट हो तो आप वेपन यूज कर सकते हैं, डिफेंस। टाइमर रोक दीजिए। टीम ग्रीन, आप अपना वेपन, डिफेंस वेपन यूज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था अगर थोड़ा भी डाउट हो तो सीधा सीधा वेपन यूज कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको डिफेंस का सवाल पूछूं, उसके पहले जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब देना चाहूंगा। द आंसर इज ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बोलने वाले अधिकांश लोग हिंदू देवता कृष्ण की पूजा करते हैं। इस भाषा के कुछ सबसे प्रसिद्ध कवि मीराबाई और हरिश्चंद्र हैं। तो टीम ग्रीन, चलिए बढ़ते हैं आपके डिफेंस वेपन की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पे चार लोग आपको नजर आएंगे, उसमें से आपको चुनना है कि कौन आपको सवाल पूछेगा। ओके, वो लोग आपके स्क्रीन पे ये रहे, श्रुति जी, रॉबर्ट जी, प्रतीक जी और संदेश जी। किसका सवाल सुनना चाहेंगे आप? श्रुति जी। ओके, श्रुति जी प्लीज आपका सवाल पूछिए टीम ग्रीन को। मेरा सवाल ये है कि 326 BC में किस बहादुर भारतीय सम्राट ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का सामना किया था? बताइए आंसर क्या है। पोरस। Are you sure? Yes. That is the right answer. तो कांग्रेचुलेशंस टीम ग्रीन, आपने उत्तर प्रदेश कैप्चर कर लिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आदित्य आप बताइए, आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं इसरो के टेक डिपार्टमेंट में एक साइंटिस्ट बनूं, ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करूं जो हमें टेलीपैथिकली रोबोट के साथ कम्युनिकेट करके उसको हम डायरेक्शन दे दें और हम मार्स पहुंच सकें। आप जो सोच रहे हैं इट्स amazing, congratulations and all the best for that. Thank you sir. और मैं दिल से चाहूंगा आपका जो भी सपना है वो बिल्कुल पूरा हो जाए। हम बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है टीम पर्पल के लिए। टीम पर्पल बताइए कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे आप? वेस्ट बंगाल। ये एक ऑडियो क्लिप है, हम आपको पहले क्लिप सुनाएंगे उसके बाद सवाल पूछेंगे। क्लिप सुनाइए प्लीज। सवाल तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप इस गाने पे मुझे थोड़ा सा डांस करके दिखाइए।
ऑडियो क्लिप अभी सुना, उसका सवाल ये है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पले बड़े इस गायक को पहचानिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेपन यूज करना चाहेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। गुड चॉइस। आप डिफेंस यूज करना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, जिसकी आवाज हमने सुनी वो सिंगर का नाम है अरिजीत सिंह। ओके, टीम पर्पल यूज करना चाहेंगे अपना डिफेंस वेपन। डिफेंस वेपन के लिए आपके ऑप्शंस स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज। आपके सामने है चार लोग, रॉबर्ट जी, प्रतीक जी, संदेश जी और मिराली जी। किसका सवाल सुनना चाहेंगे आप? प्रतीक। प्रतीक जी प्लीज आपका सवाल पूछिए। मेरा आपसे यह सवाल है कि भारत के किस स्टेट में आपको वह जगह मिलेगी जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेघालय। मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस, आपने कैप्चर किया है वेस्ट बंगाल। और स्टेट के नाम में ही मेघ है। मेघ है ने क्लाउड। मेघा छाए आधी रात, ये गाना सुना है आपने? नहीं। बरन बन गई निंदिया, ये गाना गाया है लता जी ने, लता मंगेशकर जी ने। ओके, तो चलिए अगला सवाल है टीम येलो के लिए। टीम येलो, कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे आप? चंडीगढ़। आपका सवाल है ये टीम येलो, शिवालिक से ओरिजिनेट होने वाली मौसमी धारा को बांध से रोकने से बनी चंडीगढ़ की 3 किलोमीटर चौड़ी आर्टिफिशियल लेक का नाम क्या है? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुखना लेक। आर यू श्योर? श्योर। सुखना लेक इज द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस, आपने चंडीगढ़ भी कैप्चर कर लिया है। चलिए माइंड वॉश का ये गेम आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल टीम ऑरेंज के लिए, बताइए कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ओ अच्छा, ताकि टीम पर्पल वहां पे पहुंच ही ना सके। क्या स्ट्रेटजी आपकी, यही थी कि कुछ और भी सोचा है आपने? पहले है ना पूरा साउथ कैप्चर करके फिर ऊपर जाए। पहले पूरा साउथ जेब में डाल लो, उसके बाद ऊपर जाएंगे, नॉर्थ तो आ ही जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तमिलनाडु के लिए आपका सवाल है ये, श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर सहनामित दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के जोड़ के रूप में सबसे छोटी संख्या क्या है? द टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर आंसर 1। 20 सेकेंड है आपके पास, आप आराम से सोच सकते हैं। सी जल्दी है लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए किसी चीज के लिए। आपके पास दो वेपन्स भी थे एंड अनफॉर्चुनेटली योर आंसर इज द रॉन्ग आंसर। सो नाउ द क्वेश्चन विल पास टू टीम ग्रीन। द आंसर इज 1729। क्यों लगता है आपको आंसर सही है? क्योंकि 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब 1728 प्लस 1 एंड 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। जो भी बोला बिल्कुल सही बोला, द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। कांग्रेचुलेशंस टीम ग्रीन, यू कैप्चर्ड तमिलनाडु। 3 स्टेट जीत लिए आपने। और टीम ऑरेंज की जो स्ट्रेटजी थी कि पहला हम पूरा साउथ जो है वो जेब में डालेंगे और फिर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, टीम ऑरेंज थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। टीम ग्रीन ने फायदा तो उठा लिया, तमिलनाडु कैप्चर भी कर लिया, टीम पर्पल को भी थोड़ा सा वहां पे उन्होंने रोक लिया है। अच्छा है आपके पास, इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास एक स्टेट हो, भले ही कनेक्टेड नहीं है लेकिन स्टेट है आपके पास, नंबर बढ़ता रहेगा, बेस कैंप भी है आपके पास, ज्यादा स्टेट्स होंगे आपके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। वेरी वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। चलिए अगला सवाल है आप ही के लिए टीम ग्रीन, आपके लिए कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे आप? वेपन। ओह ऑब्वियसली अटैक वेपन यूज करना चाहेंगे। किस स्टेट के लिए यूज करना चाहते हैं, कौन सी टीम को चैलेंज करना चाहते हैं? राजस्थान टीम येलो। राजस्थान टीम येलो। ओ ओ
माय गॉड ओके सो टीम ग्रीन अपना वेपन अटैक वेपन यूज करना चाहेंगे राजस्थान के लिए आपका सवाल ये है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के किस शहर में स्थित ओके टीम येलो आपने बजर पहले दबाया बताइए आंसर क्या है अजमेर करेक्ट आंसर कांग्रेचुलेशंस टीम येलो आपने अपना स्टेट बचा लिया है राजस्थान आपके पास था और आपके पास ही रहेगा अनलेस कोई और कभी उसको अगर चैलेंज करे तो अगेन यू विल हैव टू फाइट फॉर इट बट टीम ग्रीन एक वेपन आपके हाथ से निकल गया और वो स्टेट भी निकल गया ओके सो गरीबों के प्रति विशेष प्रेम के कारण मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज का नाम दिया गया था अजमेर इज द राइट आंसर हम बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ विच इज अगेन फॉर टीम पर्पल आप ऑलरेडी तीन स्टेट जीत चुके हैं अब कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे झारखंड ओके टीम पर्पल झारखंड के लिए आपका सवाल है जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ किस विद्रोह की शुरुआत 1855 में मुर्मू भाइयों ने वर्तमान के झारखंड में की थी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ टेक योर टाइम आपके पास अब कोई वेपन नहीं है 10 सेकंड बाकी है 8 6 4 2 अभी ये क्वेश्चन पास होगा ये जाएगा टीम येलो की तरफ भूदान मूवमेंट नहीं दैट इज नॉट द राइट आंसर मैं ये क्वेश्चन पास करूंगा टीम ऑरेंज की तरफ सर हम है ना डिफेंस का हमारा वेपन यूज करना चाहते हैं आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी लेकिन हम अगले सवाल की तरफ जाए उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा संथाल विद्रोह संथाल रिबेलियन सो टीम ऑरेंज अपना डिफेंस वेपन यूज करना चाहेंगे सो टीम ऑरेंज अपना डिफेंस वेपन यूज करना चाहते हैं उसके लिए व्यूअर्स चॉइस के चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे तो स्क्रीन पर है अभी मिराली किरण और संदेश तो बताइए किसका सवाल सुनना चाहेंगे आप सर अभी अभी सवाल पूछिए प्लीज मेरा सवाल है कि मियां तानसेन किस मुगल बादशाह के दरबार के सदस्य थे शाहजहां ओह ब्रदर दैट इज द रॉन्ग आंसर ये सवाल शिफ्ट होता है पास होता है टीम ग्रीन की तरफ टीम ग्रीन आपको इसका जवाब पता है अकबर दैट इज द राइट आंसर ब्रदर कांग्रेचुलेशंस आपने कैप्चर कर लिया है झारखंड कांग्रेचुलेशंस जोरदार तालियां एक बार टीम ग्रीन के लिए सो आगे बढ़ने से पहले उबेद आप मुझे बताइए कि आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको इंस्पायर करता है आप क्या सपने देखते हैं आप क्या बनना चाहेंगे सर मेरे रोल मॉडल APJ अब्दुल कलाम जी है ओह और उसका रीज़न क्या है सर मेरी लाइफ और उनकी लाइफ में मेरे को काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज दिखते सर वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली के एक छोटे शहर के नागरिक थे लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत कर भारत के राष्ट्रपति बने और मैं उनकी तरह एक छोटे इलाके से अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ क्या बात है जोरदार तालियां इतनी छोटी छोटी उम्र में आप लोगों की यार इतनी अच्छी इतनी बड़ी सोच सुन के देख के महसूस करके कभी कभी हैरान हो जाता हूँ मैं यू नो वाकई में आप लोग जिस तरीके से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका जिस तरीके से यूज़ करते हैं उसको सलाम कांग्रेचुलेशंस और बिल्कुल आप जो बनना चाहते हैं बिल्कुल बनेंगे क्योंकि आप में वो जज्बा है आप में वो जोश है और लगन के साथ आप बिल्कुल काम करेंगे तो जो चाहिए वो बन जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्ड योर एम्पायर का अगला क्वेश्चन टीम येलो आपके लिए आप रेडी हैं यस कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे आप जम्मू एंड कश्मीर आपका सवाल जम्मू एंड कश्मीर के लिए श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ झेलम
इज द राइट आंसर. कॉन्ग्रेचुलेशन. बहुत बहुत मुबारक हो. जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आपने कैप्चर कर ली है और आपके भी स्टेट्स हो गए अब चार. बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं आप. यू नो एक एक करके आप स्टेट्स जीतते जा रही है और वो भी कनेक्टेड है सारे. कॉन्ग्रेचुलेशन. वेरी गुड. हमारा अगला क्वेश्चन है टीम ऑरेंज के लिए. टीम ऑरेंज बताइए. महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र के लिए आपका सवाल. राजनीतिक दल शिवसेना के संस्थापक फाउंडर कौन है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बाला साहेब ठाकरे. आर यू श्योर अबाउट इट. यस यस सर. इज द राइट आंसर. कॉन्ग्रेचुलेशन. आप महाराष्ट्र कैप्चर कर चुके हैं. वेरी गुड गोइंग टीम ऑरेंज. वेरी गुड. सो अभी हम जाते हैं बिल्ड योर एम्पायर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है टीम ग्रीन के लिए. टीम ग्रीन आर यू रेडी. यस सर. कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे आप. उत्तराखंड. ठीक है. उत्तराखंड के लिए आपका सवाल ये है. अल्मोड़ा से कौन सी लोकप्रिय मिठाई रोस्ट किए हुए खोए में शक्कर मिलाकर बनाई जाती है. आपका टाइम शुरू होता है अब. 16 सेकेंड्स. 12 सेकेंड्स. 9. कम ऑन टीम ग्रीन. 5, 3, 1. कोई आइडिया नहीं थी. ये सवाल पास होगा टीम पर्पल. आपके पास सोन पापड़ी. आई एम सॉरी दैट इज अ रॉन्ग आंसर. ये सवाल अब पास होता है टीम येलो के पास. कम ऑन टीम येलो. पेठा. आई एम सॉरी दैट इज अ रॉन्ग आंसर. ये क्वेश्चन पास होके जाता है टीम ऑरेंज के पास. टीम ऑरेंज आपको ग्रीन और येलो के साथ बराबरी करने का मौका है. सर स्वीट्स तो उतना खातो नहीं सर, फिर भी एक खोआ पूरी. अभी स्वीट तो मैं खाता नहीं, बट चलो खोआ पूरी ले लो, आप भी खुश रहो. नहीं बेटा, दैट इज द रॉन्ग आंसर. दैट इज नॉट द राइट आंसर. बट तेरे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ यार. अभी किसी भी टीम ने इसका सही आंसर नहीं दिया. द राइट आंसर इज बाल मिठाई. कुमाऊं में इसे चॉकलेट कहा जाता है क्योंकि ये चॉकलेट जैसा दिखता है. सो राउंड टू बिल्ड योर एम्पायर. हमारी राउंड टू यहीं खत्म हो जाती है. उसके बाद जैसे आपने देखा स्कोरबोर्ड यहाँ पे है. टीम ग्रीन के है 4 स्टेट्स, टीम ऑरेंज के है 3 स्टेट्स, टीम येलो 4 स्टेट्स और टीम पर्पल 3 स्टेट्स. टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं. अभी थर्ड राउंड में हम जाएंगे विच इज़ द सर्जिकल स्ट्राइक राउंड. लेकिन उससे पहले आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, हम जानते हैं हमारे स्ट्रैटेजी मास्टर से कुणाल सावरकर जी से. हाय कुणाल. हाय श्रेयस. कुणाल कैसा चल रहा है अब तक का, क्या लग रहा है. बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. और जिस तरह से गेम चल रही है इट इज एनीबडीज गेम राइट नाउ. और इसमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, टीम येलो के पास 4 स्टेट्स हैं जो लिंक्ड हैं आपस में. Yes. अब आगे जाते हुए जब भी ये बजर क्वेश्चन कोई भी टीम आंसर करेगी करेक्टली, दे मस्ट चूज द स्टेट केयरफुली, उस तरह से कि अपनी चेन लंबी हो और दूसरे की चेन वहीं कहीं रुक जाए. बेस्ट ऑफ लक टू देम ऑल. लेकिन मैं लाया हूं इनके लिए कुछ और. ओहो, वन मोर सरप्राइज. एब्सोल्युटली. मैं लाया हूं इनके लिए एक स्कूल बोनस. और वही टीम्स पार्ट ले पाएंगी जिनके पास कम से कम 3 स्टेट्स हैं. और देखिए इस खेल को किस तरह से इन्होंने खेला है. चारों टीम्स एलिजिबल हैं इसके लिए. गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. कांग्रेचुलेशंस टीम. ओके टीम्स, आर यू रेडी. यस. कुणाल आर यू रेडी. बिल्कुल तैयार. ओके शूट कुणाल. वो कौन सी मॉडर्न बोर्ड गेम है जिसका 13वीं सदी में भारत में मोक्षपट नाम से. टीम ग्रीन आपने तो सवाल पूछने से पहले ही बजर दबा दिया. फिर वो मोक्षपद से पता. अच्छा तो बताइए क्या है जवाब. स्नेक्स एंड लैडर. अगर इन्होंने लूडो बोला होता तो आंसर बिल्कुल गलत होता क्योंकि ये सही जवाब है. कांग्रेचुलेशन. तो कुणाल क्या मिलेगा इन्हें. ये जीते हैं एक क्रिकेट किट. थैंक यू सो मच कुणाल. थैंक्स अ लॉट कुणाल.
वापस यार बाय बोले बिना ही चला जाता है कुणाल, बाय कुणाल। तो अब गाइस हम बढ़ते हैं हमारे शो के सबसे एक्साइटिंग राउंड की तरफ जो है सर्जिकल स्ट्राइक यानी बजर राउंड। इस राउंड में हम आपको पूछेंगे 5 सवाल और बजर दबाकर आपको देना होगा सही जवाब। अगर सही जवाब आपने दे दिया तो आपके एम्पायर में एक नया स्टेट जुड़ेगा, लेकिन अगर गलत जवाब दे दिया तो जीते हुए आखिरी स्टेट को पेनल्टी के तौर पर आपको छोड़ना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द मोस्ट एक्साइटिंग राउंड ऑफ माइंड वॉर सर्जिकल स्ट्राइक। आपका सवाल है ये, 1998 में बाल कलाकार के तौर पर फिल्म संघर्ष से डेब्यू और गली बॉय और स्टूडेंट ऑफ द ईयर टीम येलो, आपने सबसे पहले बजर दबाया, बताइए आंसर क्या है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इज द राइट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। बताइए आप कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे? गुजरात। गुजरात कैप्चर करना चाहेंगे, सुपर कांग्रेचुलेशंस, आपने कैप्चर कर लिया है गुजरात। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, नोएडा आधारित किस स्टार्टअप की शुरुआत विजय शेखर शर्मा ने की थी? टीम ऑरेंज आपने बजर दबाया। सर विजय शेखर शर्मा की स्टार्टअप पेटीएम है सर, पेटीएम द मोबाइल वॉलेट। पेटीएम इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बताइए कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे आप? सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैप्चर करना चाहेंगे? जी सर। कांग्रेचुलेशंस आप जीत चुके हैं मध्य प्रदेश। आपने सवाल आधा सुना था और सवाल ये था, नोएडा आधारित किस स्टार्टअप की शुरुआत विजय शेखर शर्मा ने की थी और उसके मालिक 197 कम्युनिकेशंस है, एंड द आंसर इज पेटीएम, विच वाज एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए बढ़ते हमारे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, लक्षद्वीप के किस आइलैंड के लोग महल बोली बोलते हैं? ये मालदीव की धीवेही भाषा की एक डायलेक्ट है। कोई नहीं सर। उबेद हाथ गया था बजर की तरफ। हाँ रिस्क लेने नहीं चाहते सर। रिस्क नहीं लेना चाहते? जी सर। अरे रिस्क थोड़ी बहुत तो लेनी ही चाहिए अगर जीतना है तो। पहले ले चुके सर। चलो किसी को नहीं पता इसका जवाब, चलिए मैं जवाब देता हूँ। इसका जवाब है मिनी कॉय। किसे पता था आंसर? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था मिनी कॉय। आपको पता था टीम ग्रीन? कंफ्यूजन था सर ना, मैंने नाम सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो सदर्न मोस्ट है लक्षद्वीप का। ओके चलिए कोई बात नहीं, हम बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, बस दो सवाल बाकी है। ओके गाइस कमर कस लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक का चौथा क्वेश्चन, कौन से स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें महामना के नाम से जाना जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के? टीम येलो आपने बजर दबाया, बताइए। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इज द राइट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है टीम येलो, यू आर जस्ट रेसिंग अहेड। कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगी? वील लाइक टू टेक लद्दाख। लद्दाख द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यस कांग्रेचुलेशंस टीम येलो, यू वन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एज वेल। एक आखिरी सवाल सर्जिकल स्ट्राइक का ये है, IIM कोलकाता के किस पूर्व छात्र ने इमॉर्टल इंडिया और शिवा ट्रायलॉजी लिखी है? टीम येलो अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी इज द राइट आंसर, कांग्रेचुलेशंस टीम येलो। कौन सा स्टेट कैप्चर करना चाहेंगे आप? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका हो गया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस येलो, येलो ऑल द वे। येलो आपने 7 स्टेट्स जीते हैं टीम येलो, और वो भी सारे लिंक्ड है एक के बाद एक, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम येलो, गर्ल पावर।
तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज की स्कोर टैली कुछ इस प्रकार है। टीम पर्पल 3 स्टेट्स, टीम ग्रीन 4 स्टेट्स, टीम ऑरेंज 4 स्टेट्स और टीम येलो 7 स्टेट्स। कांग्रेचुलेशंस। आज के हमारे माइंड वॉज एपिसोड के विनर है टीम येलो विथ 7 स्टेट्स। कांग्रेचुलेशंस। टीम ऑरेंज मुबारक हो, आप भी बहुत अच्छा खेले।